मंत्री आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कानून में एक बड़ा संशोधन किया है। इसमें राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार कार्य हस्तक 2012 के नियम 481(1)(क) में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत सरकारी सेवक की हत्या की दोषी के रिहाई के मामले में अब इसे एक साधारण हत्या मानी जाएगी, यानी ऐसे दोषियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सजा पूरी होने के बाद स्वतः सामान्य रिहाई के प्रावधानों के तहत रिहाई हो जाएगी। इसका बड़ा लाभ अब आनंद मोहन को मिलेगा और सजा पूरी कर चुके आनंद मोहन अब जेल से रिहा हो जाएंगे। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के जिला अधिकारी जय कृष्णयन की गोली मारकर हत्या हुई थी। इस मामले में आनंद मोहन को सजा दी गई थी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। उन्हें 2007 में इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुना दी थी। हालांकि 2008 में हाई कोर्ट की तरफ से इस सजा की उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। उनकी 14 साल की सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन लोक अभियोजक की हत्या के कारण आनंद मोहन जेल से रिहा नहीं हो पा रहे थे। अब नीतीश कुमार ने उनकी रिहाई की राह में बाधा रहे नियम को ही समाप्त कर दिया है। हालांकि उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन 6 महीने में 3 बार पैरोल पर बाहर आए हैं। वो इन दिनों भी बेटे की सगाई को लेकर जेल से बाहर आए हुए हैं। ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई की मांग कर रहे उन समर्थकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के राह में बाधा बने कानून को संशोधित कर दिया है। बता दें कि बाहुबली आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कानून में एक बड़ा संशोधन कर दिया है। इसमें राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार कार्य हस्तक 2012 के नियम 481(1)(क) में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत सरकारी सेवक की हत्या की दोषी के रिहाई के मामले में अब इसे एक साधारण हत्या मानी जाएगी, यानी ऐसे दोषियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सजा पूरी करने के बाद स्वतः सामान्य रिहाई के प्रावधानों के तहत रिहाई हो जाएगी। इसका बड़ा लाभ अब आनंद मोहन को मिलने जा रहा है और सजा पूरी कर चुके आनंद मोहन अब जेल से रिहा हो जाएंगे। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के जिला अधिकारी जी कृष्णनयन की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी और वो जेल में थे। आपको बता दें कि 1 साल में 2 बार आनंद मोहन पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। बता दें कि पिछले बार वो अपनी बेटी सुरभि आनंद की शादी को लेकर जेल से बाहर आए थे। एक बार फिर उनको जेल से पैरोल मिला है। वो अपने बेटे की सगाई पर फिलहाल अभी बाहर है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।